माय चैनल गाइस गाइस जैसे कि आपको लोगों को पता ही है कि इंडिया के रुपीस बहुत वीक होते चले जा रहे हैं। जब से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो उसके प्राइसेस में भी हमें चेंजेस देखने को मिले। कहाँ एक डॉलर का 70-71 समथिंग था, अब 81 रुपीस हो गए। तो मतलब आप समझ रहे हो, जब हमें कोई चीज़ बाहर से इंडिया से कोई चीज़ लेनी है तो उसके प्राइस से हमें मतलब जो चीज़ पहले हमें 70 के रेंज में मिलती थी, अब हम 81 के अकॉर्डिंगली पे करना है, 100 के अकॉर्डिंगली पे करना है। मतलब कितनी दिक्कत होने सामना करना पड़ रहा है हमें। ये देखिए, ये एक तरीके से क्या है, मतलब इंडिया मार्केट के लिए सही नहीं है, ये एक तरीके से नेगेटिव हो गया है इंडिया के लिए। गाइज वहीं बात करें अमेरिकन बाज़ार की, तो अमेरिकन बाज़ार में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मतलब आप ये देख सकते हो, आज के दिन में भी हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है अमेरिकन बाज़ार में भी। गाइज उससे ही इफेक्ट पड़ता है, आपको पता है जब अमेरिकन बाज़ार इफेक्ट होता था, हमारे यहाँ इंडिया की भी शेयर मार्केट इफेक्ट होती है। वही आप देख सकते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा में फंड रेजिंग रिलेटेड काम देखिए चल रहा है। अभी तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, आने वाले टाइम में हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं कि इसमें बढ़त देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हो पिछले 5 साल का, अगर आप इसका डाटा देखते हैं, पिछले 5 साल के अकॉर्डिंगली हम इसका डाटा देखें, देखो 102% तक का रिटर्न दिया। देखिए 2020 में ही गिरा था, लेकिन गाइस देखिए कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिसमें स्टॉक गिरे भी थे, लेकिन अगर होल्ड करके रखे तो उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। भाई TVS मोटर को लगा लो आप, TVS मोटर भी एक ऑटो कंपनी है। ऑटो कंपनी अपना अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, जैसे कि ये महिंद्रा है, महिंद्रा हो गई कंपनी जो अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, वहीं हमारी TVS हो गई जो अपना रिकॉर्ड ब्रेक करती जा रही है। इस पर भी आपको नज़र बनाकर रखनी है, इस स्टॉक पर भी, ये भी अपना रिकॉर्ड, मतलब इसने अपने रिकॉर्ड ही तोड़ा है। अगर हम पिछले 5 साल का डाटा देखते हैं गाइस, अगर हम जैसे कि आप देख रहे हो, देखिए पिछले 5 साल में कहाँ 657 पे था और आज ये 1000 तक पहुँच चुका है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इस कंपनी ने कितनी उमदा परफॉर्मेंस की है, 50% तक का रिटर्न दिया है, मतलब कितना अच्छा इसने ग्रो किया है, अपने अमाउंट को किया है गाइज। वहीं अगर हम बात करें दूसरी कंपनी की, वो है स्पाइसजेट। स्पाइसजेट के बारे में पता ही है आपको, क्या सिचुएशन चल रही है, बड़ी टफ है। उन्होंने कितने 80 पायलटों को निकाल दिया अपने काम पर से कि अभी जरूरत नहीं है उनके, ये बोल के। बट कंपनी काफ़ी लॉस में है, ठीक है। आप देख रहे हो अभी 0.02% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए कंपनी का रिकॉर्ड तो देखें थोड़ा सा, मतलब 50% नेगेटिव है, 50% लॉस में जा रहा है। पिछले 5 साल का भी आप डाटा दे सकते हो, -69% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो गाइज इस पर थोड़े सा आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। वहीं हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री क्या है गाइज, जो उसके काफ़ी सारे एक्विजिशंस हो रहे हैं, रिटेल्स जो रिटेल कंपनीज है वो सारी, मतलब रिलायंस के जो रिटेल्स है ना वो सेफोरा ने एक्वायर कर लिए हैं जो, और उससे भी काफ़ी सारे वो एक्सपेंशन की भी बात कर रही है रिलायंस कंपनी। तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और आने वाले टाइम में हमें रिलायंस के जितने भी मतलब कंपनीज उससे जुड़ी सब्सिडरीज हैं, तो रिटेल सेक्टर में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वोलेटिलिटी एंड चेंजेस शेयर प्राइस में देखने को मिल सकते हैं। इसका प्राइस भी भागता हुआ नज़र आ सकता है। देखिए ऊपर नीचे तो हर स्टॉक होता है, बस उस सिचुएशन में जो जवान रह जाता है उसे रिवॉर्ड मिलता है। इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है गाइस। वहीं हम बात करें GM पी फोल्डर की, देखिए गड़बड़ी की वजह से उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा। देखिए कंपनी अच्छी, स्टॉक अच्छा है ये, ठीक है, बस हाँ लोगों को ना अब इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी नहीं रही। आप लोगों को पता होगा इसमें जो घपले हुए थे, गड़बड़ियाँ हुई थी। अभी देख लो 1.44% तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले 5 साल का अगर हम डाटा देखते हैं तो 704% तक का इसने, आप देख सकते हो, रिटर्न दिया है, ठीक है। मैं वही बता रही हूँ आपको, स्टॉक अच्छा है लेकिन कंपनी थोड़ी ट्रस्ट वर्दी नहीं रही है आप सारे कस्टमर्स के लिए, ठीक है। वहीं हम बात करें सोनाकॉम की, तो सोनाकॉम में 1.48% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 साल का अगर हम डाटा देखते हैं गाइज, तो पिछले 5 साल के अकॉर्डिंगली 29% तक का इसने रिटर्न दिया है। देखिए अगर हम देखते हैं पिछले 5 साल के, इसका IPO आया 2021 में गाइज, 2364 पे ये अमाउंट था। रुकिए एक बार मैक्सिमम में भी मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। ठीक है मैक्सिमम पे भी हम चेक करेंगे। हाँ जी, इसका IPO कब हुआ है, इसके अंदर 2021 में 364 का ही अमाउंट था, 472 तक पहुँचा है, 29% तक का रिटर्न दिया। देखिए ये ना कंपनी तो अच्छी है, ठीक है,
लेकिन बस इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ना लॉन्ग टर्म के लिए सोच के करें इसके अंदर इन्वेस्ट, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, अभी इसका आईपीओ आया है तो एकदम से जो अच्छा रिटर्न है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो, गिरावट देख कर डरना नहीं है, क्योंकि जो इस सिचुएशन में रुक जाता है ना, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि गिरावट देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर, ठीक है, तो ऐसे कि डरना नहीं है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस सिचुएशन में जो रुक जाता है ना, होल्ड कर लेता है, उसको आगे चल के रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें टाटा मोटर की, जैसे आपको पता है टाटा मोटर की और न्यू कार लॉन्च कर रहा है, तो टाटा मोटर्स मतलब काफ़ी अपने नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, वही ईवी चार्जिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का होता है उसमें भी काम में काफ़ी अच्छा उमदा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है गाइस। तो टाटा मोटर आपको पता है टाटा ग्रुप का अच्छा अच्छी कंपनी है, एक अच्छा वो है, आपको पता है ईवी चार्जिंग सिस्टम में तो बहुत सी चीज़ें आ रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो ये सब इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड हैं आपस में, और इसमें काफ़ी सारा मैंने आपको बताया था चीज़ें, लॉन्चेस भी हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी मिल रहे हैं, ठीक है, इस पर नज़र बनाए रखें। एक यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी आती है, ये कह रहे थे कि टाटा कर लेगी एक बार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, म्यूचुअल कंपनी है, म्यूचुअल फंड वाली, तो इस पर अभी आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही है 3.10% की, बट आपको इस स्टॉक पर नज़र बना कर रखनी है, ठीक है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मैं किसी भी स्टॉक के लिए नहीं बोलूँगी, मैं आपके लिए वही स्टॉक लेकर आई हूँ जिन पे आप स्टडी करके और आगे की इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, ये मैं आप लोगों के लिए स्टडी करके लेकर आई हूँ, तो उसके बाद मैं भी आपको यही बोलूँगी कि इन्वेस्टमेंट से पहले इस पर स्टडी करें, क्योंकि आपको पता है न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिससे कंपनी कि सेक्टर्स को प्रॉफिट हो रहा है, जिससे उसके स्टॉक्स को स्टॉक को भी प्रॉफिट हो रहा है, शेयर मार्केट भी अप जा रही है, आपको पता है जब शेयर मार्केट अप जाती है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट होगा। देखिए, अमेरिकन बाजार में गिरावट देखने को मिलती है तो बहुत सी चीज़ें इफेक्ट करती ही करती हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। वहीं हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में भी आपको पता है कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी पर भी चर्चा चल रही है, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा नज़र बना कर रखनी है गाइज। मतलब लाइक क्रिप्टो कंपनी क्रिप्टो करेंसी जो का है वो भी भागने के दौर पे है, अगर एक बार इस पर मतलब अगर देखा जाए तो, अगर निकल जाती है तो। बाकी हाँ, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं, आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड गाइज आप लोगों की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे मैं आप अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। और गाइस, प्लीज़ 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 आप कोशिश करिएगा मेरे चैनल को 1000 लाइक तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, 1000 सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय गाइस, थैंक यू।